यह है उस जंगल की बात है जहाँ बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। कुछ पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों में अंडे दिए हुए थे। मैं अपने अंडों को कहीं छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि मेरा घर पक्का भी नहीं है। अगर मैं घर से बाहर चली गई तो शायद कोई मेरे अंडे चुरा भी सकता है या फिर खा भी सकता है। जब तक मेरे अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं अपने अंडों को मुसीबत में नहीं डाल सकती। ये सोचकर रानू चिड़िया अपने घर से बाहर ही नहीं निकला करती थी। उसी जंगल में मिट्टी तोती ने अपने घोंसले में दो अंडे दिए हुए थे। मुझे भूख बहुत तेज लगी है और मैं अंडे को छोड़ के भी नहीं जा सकती। मुझसे तो भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, अंडों के ऊपर मैं कुछ हल्का सा रख देती हूँ जिससे मेरे अंडे छिपे रहेंगे। फिर मिट्टी तोती ने अपने अंडों के ऊपर घास बिछा दी जिससे उसके अंडे छिपे रहे। हाँ, अब तो मेरे अंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने घोंसले में अंडे दिए हुए हैं। जल्दी से जाकर भोजन ढूंढ के ले आती हूँ। ऐसा सोचकर मिट्टी तोती वहाँ से उड़ जाती है। कुछ ही देर में वह भोजन लेके घर आ जाती है और आके देखती है। हाय रे, मेरे अंडे कहाँ चले गए? मैंने तो अपने ही घोंसले में छिपा के रखे थे। लगता है मेरे अंडों को कोई चुरा के ले गया। मैं ही बहुत बुरी माँ हूँ जो अंडे को छोड़ के भोजन ढूंढने चली गई भुक्कड़ कहीं की। बेचारी मिट्टी तोती के अंडों को किसी ने चुरा लिया था। इसी तरह हर रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे चोरी होने लग जाते हैं। पर यह कोई नहीं जानता था कि उस जंगल में अंडा चोर कौन है। इधर रानू चिड़िया, जिसने अंडे देने से पहले ही भोजन इकट्ठा कर लिया था, जिसके कारण रानू चिड़िया भोजन ढूंढने बाहर ही नहीं निकला करती थी। एक दिन भूरी कौवी रानू चिड़िया के घर आती है। अरे रानू चिड़िया, तू आजकल घर से बाहर नहीं निकल रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भूरी बहन। वो मैंने दो अंडे दिए हैं ना, इसलिए घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ। आप तो जानती ही होंगी कि जंगल में एक अंडा चोर घूम रहा है जो हर रोज किसी न किसी पक्षी का अंडा चुरा रहा है। इसी वजह से मैं हर समय अपने अंडों के साथ ही रहती हूँ। आप बताओ भूरी बहन, आप कैसी हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? वही तो बता रही हूँ रानू चिड़िया, तू काफी समय से बाहर नहीं गई ना। मुझे तेरी चिंता सताने लगी इसलिए बस आ गई तुझसे मिलने। अच्छा, मैं चलती हूँ। चिड़िया, तुम अपना और अपने अंडों का ध्यान रखना। तुझे पता है ना बाहर अंडे चोर घूम रहे हैं। मैं अब चलती हूँ। भूरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही रानू चिड़िया मन ही मन सोचती है, ये भूरी बहन कितनी अच्छी है, मुझे पूछने मेरे घर आई थी। मेरी अगर बहन होती तो वो भी इसी तरह होती, मेरा ख्याल रखती। फिर उसके घर मिट्टी तोती आती है। रानू चिड़िया, मेरे अंडे मेरे घोंसले में नहीं है, ना जाने कौन ले गया मेरे अंडों को। तोती बहन, मैंने आपको अंडे देने से पहले ही कहा था कि कुछ भोजन अंडे देने से पहले ही जमा कर ले। जब आप अंडे देती हैं तो फिर बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हमारे जंगल में कोई ऐसा पक्षी है जो अंडे चोरी करके खा रहा है और हर वक्त अंडों पर नजर जमाए बैठा रहता है। हाँ चिड़िया, तूने जो भी कहा था सही ही कहा था। मैंने भोजन भी इकट्ठा कर लिया था, फिर भी आप अंडों को अकेला छोड़ के क्यों चली गई थी? वो चिड़िया, मैंने जो भोजन इकट्ठा किया था ना, वो मैंने सब खत्म कर दिया था। तू तो जानती है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं अंडों को छिपा के भोजन ढूंढने चली गई थी।
अब मैं कहाँ से ढूंढूं अपने अंडों को? मुझे आपके अंडों के लिए बहुत दुख हो रहा है तोती बहन, मगर मेरी बातों का बुरा ना मानिए। अब तुम्हारे अंडे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप तो जानती हैं ना, पिछले कुछ दिनों में जितने भी अंडे चोरी हुए हैं उनके सिर्फ छिलके ही मिले हैं। वहां से रोती हुई चली जाती है। ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं, भूरी कौवी फिर से चिड़िया के घर आती है। चिड़िया कैसी हो? अब तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आए या नहीं? अभी भूरी बहन, अभी वक्त है बच्चों को बाहर आने में। आप कैसी हो भूरी बहन? मैं तो सही हूँ चिड़िया, यहाँ से जा रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। आइए बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी घर जाना है, घर पे कालू कौवा मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो फिर मैं चलती हूँ चिड़िया, फिर आऊंगी मैं तुम्हारे घर। ऐसा कहकर भूरी कौवी वहाँ से चली जाती है। भूरी कौवी अपने घर आ जाती है। कालू जी, वो चिड़िया तो हर समय अपने अंडों से चिपकी ही रहती है। जब भी मैं उसके घर जाती हूँ तो उसके अंडों को देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है। जैसे तैसे करके अपने आप पे कंट्रोल करके वहाँ से लौटती हूँ। कुछ करो कालू जी, कुछ तो करो, मुझे चिड़िया के अंडे खाने हैं। अगर आप ऐसे ही चुप बैठे रहे ना, आप देखना उसके अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। हाँ, अरे भूरी चिड़िया की ना सही, किसी ना किसी पक्षी के तो अंडे मैं लाता ही रहता हूँ ना तेरे लिए। तुम उस चिड़िया के अंडों के पीछे ही क्यों पड़ी हो? जब वो चिड़िया अपने अंडों के पास से हिल भी नहीं रही है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। भूल जाओ उन अंडों को, मैं तेरे लिए आज कहीं ना कहीं से ढूंढ के दो अंडे ले आऊंगा। नहीं कालू जी, मुझे तो उस चिड़िया के अंडे ही खाने हैं, मुझे उन अंडों का स्वाद चखना है। चखना है तो चखना है बस। अरे भूरी, सभी अंडों का स्वाद एक जैसा ही होता है। बस आप मुझे ये बताएं कि आप उस चिड़िया के अंडे लाएंगे या नहीं। अगर आपसे नहीं हो पाए तो बता दो, मैं कैसे भी करके वहाँ जाके उसके अंडे चुरा ही लूंगी और हाँ, खा लूंगी। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस सब समझ चुकी हूँ, आप मुझे प्यार ही नहीं करते। अरे भूरी, मैं तेरे प्यार के कारण ही तो अंडे चुरा चुरा कर तेरे लिए ला रहा था, और तू मुझसे ही कह रही है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तो फिर जाइए ना उस चिड़िया के पास और अंडे लेकर आइए जिस पर चिपक कर बैठी है वो चिड़िया। भूरी, वह बहुत ही समझदार चिड़िया है, वह उन अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वह कुछ समय के लिए अपने अंडों को छोड़ के दूर जाए, जब जाके हम उसके अंडों को चुरा सकते हैं। तो ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो कालू? क्योंकि अंडे चुराने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरा काम तो उन अंडों को खाना है। उपाय मिल गया भूरी, तुम मेरे से मार खा के चिड़िया के पास जाओ और रोने धोने की एक्टिंग करो और उसे यहाँ हमारे घर लेके आओ, तब तक मैं अपना काम कर लूंगा। भूरी, मैं कुछ समझी नहीं कालू जी। अच्छा, कुछ नहीं समझी तो अब समझ आ जाएगा तुम्हें। ये लो और लो, ये लो। वह ऐसी भूरी कौवी की पिटाई कर देता है। अरे अरे, तुम्हें क्या पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या कालू, जो बात करते करते मुझे मारने लग गए? अब मेरी बात ध्यान से सुन, तू जा उस चिड़िया के घर, मैं भी वहीं चिड़िया के घर के आसपास ही रहूंगा। उसे अपनी हालत दिखा और रोने की एक्टिंग कर और कहे कि मुझे कालू ने मारा और तू उसे कैसे भी करके यहाँ लेकर आ, बस मैं पीछे से उसके अंडे चुरा लूंगा। वाह वाह कालू जी, आपके दिमाग को तो क्या ही कहूँ जी, इतने जबरदस्त प्लान है, जब ही तो मैं आपकी फैन हूँ। अगले दिन भूरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया। क्या हुआ भूरी बहन, ये आपके चेहरे पर निशान कैसे हैं? आप रो क्यों रही हो? मैं क्या बताऊं चिड़िया, मेरी जिंदगी तो नरक बन गई है। मेरा पति कालू बहुत ही खराब है, वह मुझे मारता पीटता है। मैं ये बात किसी को नहीं बताई, बस तुम्हें ही बता रही हूँ। अच्छा,
ये बात है बहन, पर कालू भैया तो ऐसे नहीं है जितना मैं उन्हें जानती हूँ। अच्छा तो खुद ही देख ले घर चल के और समझा दे अपने कालू भाई को कि वो मुझे ना मारा करे। बुरी बहन मैं आपके साथ आ नहीं सकती, आपको तो पता ही है ना मेरे अंडों में से बच्चे कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तुझे मेरी मदद नहीं करनी तो मत कर, अब मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगी अगर तू मेरी मदद नहीं करेगी तो। रानू चिड़िया मन ही मन सोचती है, ये भूरी बहन तो मरने की बात कर रही है, अब मैं क्या करूं, हे भगवान मेरी मदद कीजिए। क्या सोच रही है चिड़िया तू? कुछ नहीं भूरी बहन, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। भूरी कौवी अपनी बातों में फंसा के रानू चिड़िया को वहाँ से ले जाती है। लगता है भूरी ने चिड़िया को पटा लिया, अब मैं अपना काम खत्म करता हूँ जल्दी से। कालू कौवा चिड़िया का दरवाजा खोल ही रहा था तभी वहाँ पे मिट्टी तोती आ जाती है। कालू कौवे तू चिड़िया के घर के दरवाजे में क्या कर रहा है? वो मुझे कुछ ऐसा लगा कि कोई अंदर है, मुझे आवाज आई तो मैं दरवाजा खोल के देख रहा था। अच्छा तो मैं कोई आवाज आ रही थी, कहीं चिड़िया कोई मुसीबत में तो नहीं है? चल कालू दरवाजा खोल, देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। मिट्टी तोती जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अंदर चिड़िया तो है ही नहीं। अरे चिड़िया अंदर नहीं है और अंडों को अकेला छोड़ के कहाँ चली गई? वह तो कभी भी अकेला नहीं छोड़ती अपने अंडों को, आज ऐसा क्या हो गया जो अपने अंडों को छोड़ के चली गई? देखो चिड़िया तो है नहीं यहाँ पे, हम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते ना, तुम जाओ यहाँ से मिट्टी तोती। मैं तो चली जाऊंगी कौवे, क्या तुम यहाँ रुकोगे? नहीं नहीं मैं क्यों रुकूंगा यहाँ। तो फिर तूने ऐसा क्यों कहा फिर? अरे मैंने ये इसलिए कहा कि किसी के घर में ऐसे घुसना ठीक नहीं। देख कालू चिड़िया मेरी पक्की सहेली है, मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। तुझे पता ही होगा कि इस जंगल में अंडा चोर घूम रहा है और वो सबके अंडे चुरा रहा है, और मैं नहीं चाहती कि चिड़िया के अंडों को कुछ हो जाए। तुम जाओ कालू, जब तक चिड़िया नहीं आ जाती मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। अरे मिठी तोती तू अपने अंडों की रक्षा तो कर नहीं पाई तो एक चिड़िया के अंडों की रक्षा कैसे करेगी? कालू एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि मेरे अंडे अब नहीं रहे? वो मुझे ये बात तो भूरी ने बताई थी। पर कालू मैंने तो ये बात सिर्फ रानू चिड़िया को ही बताई थी, तो फिर भूरी कौवी को कैसे पता चला? पता कालू? तोती की बात सुनकर कौवा हड़बड़ाने लगता है। तोती मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। ये कालू मुझे ठीक नहीं लग रहा, जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे चिड़िया से इस बारे में बात करनी होगी। जब तक चिड़िया नहीं आ जाती मैं यहाँ से हिलूंगी तक नहीं। इस तरह मिठी तोती उन अंडों के पास बैठ जाती है। भूरी कौवी चिड़िया को लेके अपने घर आ जाती है। भूरी बहन कालू भैया तो यहाँ है ही नहीं, आपने तो कहा था कि वो नशे में घर में ही पड़ा रहता है, कहाँ है कालू भैया? अरे चिड़िया बहन लगता है कालू जी फिर से आवारापन करने चले गए, वे जंगलों में घूमते फिरते रहते हैं, अब मैं क्या करूँ हे भगवान। अरे ये कालू जी कहाँ रह गए, कहीं चिड़िया के अंडे अकेले अकेले तो नहीं खा रहे? देखो भूरी बहन हम कितनी देर से कालू भैया का इंतजार कर रहे हैं, और मैं अपने अंडों को छोड़ के आई हूँ ये आप जानती हैं, अब मुझे जाना होगा। ऐसे चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब चिड़िया घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके अंडों के पास तो तोती बैठी है। अरे तोती बहन आप यहाँ? हाँ चिड़िया मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने देखा कि तेरे घर का दरवाजा कालू कौवा खोल रहा था, मुझे उस पर शक हुआ कि कहीं कालू ही अंडा चोर तो नहीं। नहीं तोती बहन कालू भैया ऐसे नहीं है। तो चिड़िया उसको कैसे पता चला कि मेरे अंडे नहीं रहे, क्योंकि ये बात तुम्हारे सिवा पूरे जंगल में किसी को नहीं पता? क्या तूने ये बात बताई थी क्या भूरी को चिड़िया? नहीं बहन मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि आपके अंडे किसी ने चुरा लिए हैं। तो फिर कालू कौवा को कैसे पता चला
की चिड़िया मुझे, तो पक्का यकीन हो गया है कि अंडे चोर ये कौवा ही है। अगर आज मैं सही समय से नहीं आती तो तुम्हारे अंडे भी कौवा खा लेता। चिड़िया, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तू अपने अंडों को छोड़कर कहाँ चली गई थी, वो भी इतनी देर तक? तोती बहन, कालू कौवा की पत्नी भूरी कौवी रोती हुई मेरे पास आई थी और वह कहने लगी, ऐसे वह चिड़िया कौवी को सारी बात बताती है। चिड़िया की सारी बात सुनने के बाद तोती कहती है, क्या कहा तूने कालू और बेवड़ा, वो तो दूसरों का पागल बनाता है, वो तो कभी भी शराब नहीं पीता। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है ये मियां बीवी की ही अंडे चोर हैं। मेरे अंडे उन दोनों ने ही चुराए हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं चिड़िया। तोती बहन, बिना सबूत के हम उन्हें दोषी नहीं कर सकते। तो फिर हम यहीं कहीं छिप जाते हैं, तुम देखना कालू फिर आएगा और तेरे अंडे चुराने की कोशिश जरूर करेगा। वे फिर वह दोनों घर के बाहर खिड़की के पास छिप जाते हैं। फिर कुछ ही देर में कालू कौवा चिड़िया के घर फिर से आता है। अरे लगता है तोती यहाँ नहीं है, बड़ी आई चिड़िया के अंडों की रक्षा करने वाली। अभी ले जाता हूँ मैं अंडों को यहाँ से, जब चिड़िया यहाँ आएगी तो मैं बताऊंगा कि तोती ही अंडा चोर है। वहाँ भूरी कौवी भी आ जाती है। अरे कालू जी, आपने अंडे अभी तक चोरी नहीं किए क्या? मैंने बड़ी मुश्किल से चिड़िया को अपने जाल में फंसाया था, पर वो वहाँ से चली गई। अब चल भूरी, जल्दी से एक अंडा उठा और भाग यहाँ से। अरे कालू जी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि इन अंडों को यहीं चट कर जाऊँ। अरे भूरी, अंडा उठा और अपने घर आराम से खाएंगे। ऐसे भी दोनों अंडा उठाने वाले थे कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। रुकिए भूरी बहन, अगर आपने मेरे अंडों को छुआ भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो चिड़िया हम तुम्हारे अंडों को बस देख रहे थे, तुम हमें गलत समझ रही हो। और कितना झूठ बोलोगी भूरी बहन, मैंने सब सुन लिया है। मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन समझती थी, मगर आप तो मेरे अंडों की ही दुश्मन निकली। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भूरी बहन। अरे मेरी बात तो सुनो चिड़िया। अरे बस कर भूरी, बहुत हुआ तेरा ड्रामा। ये देखो पक्षियों, ये थे दोनों अंडा चोर, कौवा और कौवी ही मिलके अंडे चुराते थे। आज चिड़िया के अंडों को चुराते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ा है। फिर क्या था, सभी पक्षी मिलकर उनकी पिटाई कर देते हैं और वह दोनों अपनी जान बचा के वे जंगल ही छोड़ के भाग जाते हैं।